कुछ समझ में नहीं आया। इतनी बोरिंग पिक्चर, पूरी फिल्म स्लो चल रही है, तो क्या बनाया आपने? पहली सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म। सोचो 18 आदमी में से 4 लोग 1 घंटे में भाग गए, मैं पूरी फिल्म देखी। लेकिन लाल सिंह चड्ढा आमिर खान आए 4 साल के बाद, कहते हैं कि परफेक्शन जो पिक्चर चूज़ करते वो पिक्चर परफेक्ट होती है, डायरेक्शन, स्टोरी सब कुछ सही होता है। लेकिन थग्स ऑफ हिंदुस्तान के बाद क्या होगा? इतनी बड़ी पिक्चर थी, अभी फ्लॉप है कि बच्चन साहब को लेकर 4 साल के बाद आए, ये कहानी लेके आए, तो उन्होंने क्या सोचा होगा कि लोगों को पसंद आएगी पिक्चर? एक तो बॉलीवुड लोग बोलते हैं बॉयकॉट करो, बोला वो अलग बात है, बॉयकॉट करो नहीं करो, जिसको देखना है वो देखो, वो अलग बात होती है। आमिर खान खुद बोल रहे कि मेरी फिल्में देखो, मैं आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, आप बहुत बड़े एक्टर हो, लोगों को देखना है तो देखेंगे, पिक्चर अच्छी होगी तो लोग देखेंगे। सबसे पहली बात, ये पिक्चर 2.5 घंटे की पिक्चर है, और आज के ज़माने में 2.5 घंटे पिक्चर नहीं चलती है, चलती है 2-2.25 घंटा या तो 2.5 घंटा, अगर आपके पास कंटेंट हो तो। अब ये पिक्चर ऐसी बनाई, मुझे तो समझ में नहीं आई कि डॉक्यूमेंट्री थी या आप कुछ मैसेज दे रहे हो, क्या दे रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया। इतनी बोरिंग पिक्चर, आमिर खान को कम से कम 30-32 साल हो गए इंडस्ट्री में, उसके पहली इतनी फ्लॉप मूवी, सबसे बड़ी फ्लॉप मूवी ये लाल सिंह चड्ढा। एक्टिंग की अगर हम बात करें, ठीक है, अरे एक्टर है वो, इतना साल से एक्टिंग, तो एक्टिंग तो की है, लेकिन सुबह का 6 का शो था ये, उसके पहले की पिक्चर आमिर खान की, हाउसफुल चलता था। आज सुबह 9 बजे 18 लोग थे, 1 घंटे के अंदर 4 लोग भाग गए। अब सोचो क्या बनाया होगा उसने। इस फिल्म के अंदर आप अपनी कहानी बताइए ना, उसमें इंदिरा गांधी गोली मार दी वो बता दी, अन्ना हजारे जो अनशन पे बैठे थे वो बता दिया, कसाब को बता दिया, तो ये सब आप कहाँ मिक्स करते हो? पूरा उन्होंने पूरा मिक्स कर दिया, और पूरी ट्रेन में बैठ कर पैसेंजर को बचपन की कहानी बता दी, एंड तक यही डॉक्यूमेंट्री चल रही है, तो क्या बनाया आपने? करीना ठीक ठाक लगी, ओके, इतने को बढ़िया काम नहीं उसका, उसको हिरण बनना था, लेकिन अंडा उड़ के उसमें फंस जाती है, वो हिरण बन नहीं पाती है। और इसका लुक तो पीके, और ये क्या उसका नाम, हमारी पिक्चर थी 3 इडियट्स, उसी तरह लगता आमिर खान, और एक लाल सिंह चड्ढा वो दाढ़ी पे, ताकि वही कान बड़े, वही एक्टिंग पागल धारा, उसको सीरियस लेता ही नहीं था, तो ये थोड़ा कम दिमाग का है वो, उसको बताया। बॉयकॉट की बात अलग, अगर पिक्चर अच्छी होगी तो चलेगी ना, क्यों नहीं? बॉयकॉट की बात कोई बात नहीं है जी। अभी रॉकटरी एक ही शो लगी थी, 2 लोग 4 लोग 5 लोग चल गए ना, सुपर हिट हो गए ना, तो पिक्चर अच्छी होगी तो पिक्चर सुपर हिट होगी, आपकी पिक्चर अच्छी नहीं तो लोग क्या करेंगे? शाहरुख का कैमियो भी है एक सीन, लेकिन वो भी लगा नहीं सके कुछ कैमियो है, ऐसा पिक्चराइज किया नहीं, तो ठीक है अभी, मतलब कुछ ने पूरा फोकस दिया आमिर खान के ऊपर ही दिया है। आमिर खान इस फिल्म में ये प्रूव करना चाहा कि मैं बच्चन साहब से भी बड़ा एक्टर हूँ, इस तरह से एक्टिंग करने की कोशिश की, मतलब बार बार ये देखना हो करना, मतलब ठीक है अभी बहुत हो गया, अब मज़ा नहीं आ रहा है। पूरी फिल्म स्लो चल रही है, और बार बार डॉक्यूमेंट्री, बचपन में ये था वो था, दंगल हो गए, अब ये सब दंगल वगैरह क्यों बता रहे हो? तो पूरी जर्नी ट्रेन के अंदर ही बताई उन्हें बार बार फ्लैश में, और कुछ नहीं। स्टोरी की बात करें, क्या लगता है नहीं होल्ड नहीं, नहीं होल्ड नहीं करेगी भाई। सोचो 18 आदमी में से 4 लोग 1 घंटे में भाग गए, मैं पूरी फिल्म देखी। लेकिन पहली पिक्चर आमिर खान की 32 साल की गर्ल में, पहली सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म। थिएटर के अंदर का माहौल कैसा था? एकदम कुछ नहीं, कपल लोग बैठे थे मस्ती कर रहे थे, बाकी यहाँ पर भी गेडी से 12 का शो सब लोग चले गए। सॉरी मैं तो बोलो फ्लॉप पिक्चर, को रेटिंग नहीं दूंगा। आमिर खान को इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर बनाई, आप पीके देखे, आज लोग बार बार देख रहे, 3 इडियट्स देखे, एक मैसेज है, क्या एक्टिंग है, क्या मसाला फिल्म बनाई है, आदमी अंदाज अपने देखते हैं ना सलमान खान के साथ, कितना मज़ा आता है। अब कहाँ लेके बैठ गए, फॉरेस्ट गंप उस जमाने की पिक्चर थी, उसकी आप कॉपी बना रहे हो, अरे ओरिजिनल स्टोरी लाइए, ओरिजिनल बनाइए तो मज़ा आए कुछ। पहले जब आमिर खान का नाम आता, अरे आमिर खान नाम मतलब बॉक्स ऑफिस कन्फर्म, क्या लगता है लाल सिंह? नहीं नहीं खत्म हो गया, थग्स ऑफ हिंदुस्तान से खत्म हो गया,
अब किसी को उम्मीद नहीं रहेगी कि आमिर खान आए और हम जाए, वो बात नहीं रही।